गुड आफ्टरनून माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट। इस एक्सरसाइज में फोर क्वेश्चन है, टोटल फोर क्वेश्चन है। हम आपको एक ही क्वेश्चन का एक ही एग्जाम्पल आज समझाएंगे कैसे करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है क्वेश्चन, 2/5 इंटू 1/2। हमें इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। यह फ्रेशर ये 2/5 और 1/2। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे कि किसी डिजिट से कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर देंगे क्रॉस में, यहां से यहां और इसको यहां से। और यदि नहीं होते हैं क्रॉस तो हम ऊपर ऊपर की डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे नीचे के डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट करेंगे, 2/5 × 1/2। तो हमने देख लिया हमारा 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा है कि हमारा 1 और नीचे क्या बचा है 5। तो इन दोनों का हमने प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिला, 1/5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और समझा देते हैं इसी का, 4/5 × 8/9। ये हमारा क्वेश्चन है, 4/5 × 8/9। देखो 4 से 9 कैंसिल नहीं हो रहे हैं दोनों, लाइन की 5 से 1 कैंसिल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का डिजिट कर देंगे और इनका इनका डिजिट दोनों का सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 8 = 32 और 9 × 5 = 45। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे क्वेश्चन 2 हुए। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है परफॉर्म द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन। ये क्वेश्चन है पहले के क्वेश्चन की, इसका क्वेश्चन नंबर ए 1/3 × 2/4 × 5/3। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.4 में हमें जो 4 क्वेश्चन दिए हैं उन सभी क्वेश्चनों को करने की मेथड 7 कोई अलग तरीके से नहीं करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कितनी फ्रैक्शन दी थी, हमें ओनली 2 फ्रैक्शन थी। इसमें कितनी फ्रैक्शन दी, 3 फ्रैक्शन का क्या करना है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लायर फाइंड करना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कितनी फ्रैक्शन थी, ओनली 2, इसमें 3, बस यही चेंज हो गया है। अकेली मैथड सबका सेम ही है। अब यहाँ पर देखो 1 से 4 कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, ना तो 2 से 3 कैंसिल हो रहा है। अब इन दोनों को देखते हैं, 2 से 3 कैंसिल नहीं हो रहा है ना कि 4 से 5 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सभी का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो रहे। तो 5 × 10 = 10। तो ये 10 आ रहा है। 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36। ये आ रहा है 10/36। आज हम देखते हैं कैसे हमने किया है, या फिर कुछ और सूत्र में चेंज किया है डिवाइड वगैरह करके। यदि नहीं किया हो तो हम उसको ऐसा
चेंज कर दिया है। देखो अब ये कितना आ रहा है हमारा 10/36। अब हम इसको क्या करना है 10/36 देखो किसी टेबल से देखो 2 से 8 दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2 5 10 और 2 1 2 और 2 8 16 तो हमारा कितना आ गया 5/18। आंसर भी हमें ऐसे ही हमने दिया है, ऐसे ही हमने आपको निकाल कर बता दिया। तो 10/36 को हमने 2 से कैंसिल कर दिया तो 2 5 10 2 का 36 को डिवाइड किया तो कितना आया 18। तो 5/18 यही हमारा पीछे आंसर शीट में भी आंसर आ रहा है 5/18। एक क्वेश्चन को समझा देते हैं इसी का बी। फाइंड द प्रोडक्ट, सभी क्वेश्चन में प्रोडक्ट को फाइंड करना है। फाइंड द प्रोडक्ट एंड राइट इन देयर लोएस्ट टर्म।
चेंज, उसमें किसमें चेंज करना है उसको, लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है सिक्स वाई टू अपॉन थ्री इंटू वन सेवन अपॉन फिफ्टीन, सबसे पहले फ्रैक्शन को चेंज करेंगे हम, ये क्वेश्चन है सिक्स वाई टू अपॉन थ्री इंटू वन वाई सेवन अपॉन फिफ्टीन, सिक्स थ्री का एटीन, एटीन में टू को प्लस किया तो कितना आ रहा है ट्वेंटी अपॉन थ्री, फिफ्टीन बन जाओ फिफ्टीन और फिफ्टीन, फिफ्टीन बन जाओ फिफ्टीन और फिफ्टीन में सेवन को प्लस किया तो ट्वेंटी टू आ रहा है, ट्वेंटी टू अपॉन फिफ्टीन ये आ रहा है। अब देखते हैं थ्री से ट्वेंटी टू तो कैंसिल नहीं हो रहा, वैसे तो वैसे लिखा रह जाएंगे, ट्वेंटी से फिफ्टीन कैंसिल हो रहा है, फाइव फोर सा ट्वेंटी और फाइव थ्री सा फिफ्टीन, ये हमारे कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, इसके आगे नहीं कर देते हैं, ट्वेंटी टू इंटू फोर और नीचे थ्री इंटू थ्री, ये हमारे पंडित क्रॉस करने के बाद ये हमारा बच रहा है जो हमने इसको इस तरह से लिख लिया है सिंपल तरीके से। अब क्या करेंगे, ट्वेंटी टू का इंटू फोर में काट देंगे तो कितना आ जाएगा एट्टी एट और थ्री थ्री का नाइन, एट्टी एट अपॉन कितना आ रहा नाइन, अब डिवाइड कर दो या फिर हम आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है, सेवन पॉइंट फोर का डिवाइड कर और आगे नीचे बढ़ा है इसको, तो हम भी इसको आगे बढ़ा देंगे, 88 का डिवाइड 9 से कर देंगे, 9 9 का 9 9 का 81, 81 में 88 में 81 में से कितना बचा 7, जितनी बार हमने आपको जितनी बार हमारा डिवाइड हुआ वो यहां लिखा, जो हमारा रिमाइंडर बचा वो बदल जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो कहां आ रही नीचे, तो हमने आज से सीख में हमारा आंसर इस तरह से आ रहा है, हमने इसको आगे और आगे बढ़ाना है, तो हम इसको डिवाइड करके आगे बढ़ाकर ऐसे ही हमारा आंसर आ रहा, तो हमने आपको ये फाइंड कर दिया, डिवाइड करके आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का भी क्वेश्चन नंबर ये हमने आपको समझा दिए, एक्सरसाइज 7.4 के फोर क्वेश्चन के हमने आपको सभी तरह के क्वेश्चन करा दिए, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम आपको पीडीएफ में सेंड कर देंगे, ओके स्टूडेंट एंड गुड बाय।